मेरे चैनल एजुकेशन टॉक्स विद अब्बास को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम, रब्बी शरहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन सुम्मा आमीन। डियर फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद अब्बास। यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल एजुकेशन टॉक्स विद अब्बास। दोस्तों, हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है चैप्टर नंबर 1 की, क्लास 11th की केमिस्ट्री की बेसिक कॉन्सेप्ट की। इस तरह मैं पूरी बुक को लेके चलूँगा, लेकिन मैंने ये लेक्चर जो है 15 लेक्चर डाल दिए हैं इसके जो हैं चैप्टर 1 के। इसको आप ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर आप अच्छे मार्क्स गिनना चाहते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, न्यूमेरिकल, एमडी कैट, ई कैट के हवाले से क्वेश्चन, 90+ मार्क्स इंशाल्लाह आपके आएंगे अगर आप इसके हिसाब से चलेंगे। तो आप ये ज़रूर वॉच करें और 100% कामयाबी है इसमें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा मोलर वॉल्यूम। अगर आपने मोलर वॉल्यूम की डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने लिंक में दे दिया, जिसमें आप वीडियो दे सकते हैं इसकी, आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं प्रीवियस वीडियोस, तो आप ज़रूर देखिएगा उसे। तो आज जो हम सिर्फ न्यूमेरिकल की बात करेंगे मोलर वॉल्यूम की। अब मोलर वॉल्यूम बेसिकली होता क्या है, 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज 22.414 डेसीमीटर क्यूब। जो ऑक्यूपाई करता है गैस का 1 मोल, उसे हम कहते हैं, उस वॉल्यूम को हम बोलते हैं मोलर वॉल्यूम। एक गैस का वॉल्यूम जो है 22.414। अब इसके हवाले से हम न्यूमेरिकल देखते हैं। तो इसमें न्यूमेरिकल में ये है कि एक आपके पास एक वेल नोन गैस आपके पास है कंटेनर में, जिसका वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसटीपी। एसटीपी का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। अब स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है, 25 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर क्या होता है हमारा 1 एटीएम। सो मास वो कितना कंज्यूम कर रहा है, 0.72 ग्राम उसके पास मास है। व्हाट इज़ द मोलर मास ऑफ दिस गैस। अब मोलर मास हमें फाइंड करना है। सबसे पहले हमारा तरीका का यही होता है कि हम जो इसका डाटा लिख लेते हैं, हमें वॉल्यूम ऑफ गैस 500 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, मास ऑफ गैस 0.72 ग्राम दिया हुआ है, मोलर मास फाइंड करना है। तो मैंने मोल की, एवोगाड्रो नंबर की ए टू जी डिटेल जो बोर्ड में आती है मैंने आपको दे दी है प्रीवियस लेक्चर्स में। अब इसमें सिर्फ फार्मूला है मोल ऑफ गैस का, क्या फार्मूला होता है, मास ऑफ गैस ओवर मोलर मास ऑफ गैस। तो यहाँ पे हमें मास ऑफ गैस दिया हुआ है, हमने मोलर मास ऑफ गैस फाइंड करना है, लेकिन मोल ऑफ गैस नहीं हमें दिया हुआ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मोल फाइंड करेंगे बाई यूजिंग रिलेशन। सो आपको पता है कि 1 मोल में जो है 22.414 डेसीमीटर क्यूब होते हैं। अब हमें यूनिट जो दिया हुआ है 500 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, इसलिए हम जो है सेंटीमीटर डेसीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में चेंज कर देंगे बाय मल्टीप्लाई 100। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 22.414 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब हमें एक जो सेंटीमीटर क्यूब के मोल चाहिए, तो हम क्या करेंगे, दोनों जगह पर डिवाइड करवा देंगे, हमारे पास जो है 1 सेंटीमीटर क्यूब के हमारे पास मोल्स आ जाएंगे। अब जिस तरह हमने अगर एक पेंसिल जो है 10 रुपये की है, 10 रुपीज़ की है, 2 पेंसिलें 20 रुपीज़ की होंगी। अब इस तरह हमने 500 सेंटीमीटर क्यूब की हमारे पास वॉल्यूम था, तो हम क्या करेंगे, 500 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास 0.0233 मोल्स आ जाएंगे। इसका मतलब ये है कि 500 सेंटीमीटर क्यूब में हमारे पास कितने मोल हैं, 0.0233 मोल्स हैं। अब हमने फार्मूला लगाया पीछे मोल, अब यहाँ पे हमें मास ऑफ गैस पता है, हमने यहाँ से मोल्स फाइंड कर लिए हैं, तो हम यहाँ से मोलर मास आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब वैल्यू पुट की है मोल्स की, और हमारे पास मास की इसकी वैल्यू पुट की है, तो मोलर मास हमने यहाँ से निकाला 32 ग्राम पर मोल। तो मोलर मास के आगे हमारे पास 32 ग्राम पर मोल जो क्वेश्चन में पूछा गया था। दोस्तों, मैंने सारी वीडियोस बना दी हैं इंपॉर्टेंट जो है इस चैप्टर की, तो आप प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर चेक कीजिए, इंशाल्लाह आपको बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आपके अच्छे से अच्छे जो 100% कामयाबी मैंने लिखी हुई है उसके ऊपर जो है मैंने टाइटल में, तो इंशाल्लाह आपको मिलेगी ज़रूर, इंशाल्लाह अगर ये आप जो है इसको फॉलो करेंगे। और आप कापी पेंसिल पर ये पेन से जो आप कॉपी पर लाजमी लिख लिया करें मेरे जो क्वेश्चन वगैरह हैं, क्योंकि आपके पास एक नोट्स भी बन जाएंगे। तो आज हमने सीखा न्यूमेरिकल्स ऑफ मोलर वॉल्यूम का, कोई भी आ जाए न्यूमेरिकल तो आप इंशाल्लाह कर लेंगे, और इस चैप्टर में लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल ही आना है, तो आप अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल जो करें इंशाल्लाह आपको। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और वीडियो लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि जो है नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पाकिस्तान में फैल सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।